लेकिन आई तो गई कहाँ? कहाँ यहाँ? अरे ढूंढो, यहीं कहीं होगी, ढूंढो ढूंढो, यहीं कहीं होगी। बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, बाबूजी, बाबूजी, मुझे बचा लीजिए बाबूजी, वो लोग मुझे मार डालेंगे बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है, वो लोग यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं, इत्मीनान रखो। मुझे एक बात बताओ। क्या? तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रही थी? हाँ, वो मैं शहर गई थी, वापस आने में देरी हो गई, तो ये बदमाश मुझे अकेला देख मेरे पीछे पड़ गए। वक्त खराब चल रहा है, रात को अकेली मत निकला करो, समझी? बाबूजी, आपने मुझे बचाया, आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? बस तुम अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो अपना। अरे ए पेलू पांडे, का बात बा? हाँ, आप बताएं लडुआ, बहुत परेशान है यार। काहे, क्या बात हो गई बे? जिंदगी झंड हो गया है बे। काहे? हमार मेहरारू ससुर गांव गई है, जब वो फोन करो कब आई है, कब आई है, नवराते में, नवराते में। साला, तो बुला काहे नहीं लेते हैं? साला, तीन दिन से खाना बना रहे हैं, जिंदगी साला, कहा बताएं लड्डू यार। हा? खाने का तो कर लेंगे। अच्छा, लेकिन साला साला बच्चा कैसा पैदा करेंगे बे? अरे तो ये टेंशन है, अरे तो हम काहे लिए बैठे हैं, हमारा भी कोनो फर्ज है तुहार लिए। तू खाली खाना बनाने का टेंशन ले, बच्चा पैदा करने का काम हमारा, आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं, मदद नहीं करेंगे क्या? हम कभी सेवा का मौका दे? भगवान, इतनी परेशान क्यों हो? आज रिमोट ढूंढ रही हूँ, पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो मेरे परेशानी में बड़ा मजा आता है ना? एक भी चीज इस घर में जगह पे नहीं मिलती है, न जाने मेरे बाद इस घर का क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा, पहले तुम जाओ तो। उड़ाओ मेरा मजाक। अरे राम, इस गुलाम की इतनी मजाली कहां जो तुम्हारा मजाक उड़ाए। अरे भाई, मेरी जुबान को तो तभी से लकवा मार गया था जिस दिन तुम्हारे मनहूस कदम, मेरा मतलब मुबारक कदम, इस घर में पड़े। अरे सुखी राम, मैडम का रिमोट ढूंढ के दे, कितनी परेशान है। मौत के बाद? क्या बड़बड़ा रहे हो, पहले मैं अपना सीरियल देखूंगी। तुम्हारा कौन सा सीरियल? मेरा पति दूसरा है। अरे शर्म करो, मेरे होते तुम दूसरे पति की बात कर रही हो। शट अप। मालिक, एक बात बतानी थी आपको। बोल। एक एक्सीडेंटल कार बिक रही है सिर्फ 15 लाख में। एक्सीडेंटल कार और 15 लाख में? जी मालिक। तेरा दिमाग खराब हो गया? आप उसे ले लीजिए, उसे लेते ही आपकी जिंदगी में फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल खिल जाएंगे मालिक। अरे इस उजड़ी हुई जिंदगी में फूल कैसे खिलेंगे? मालिक, एक अच्छी बात है, उसके एक्सीडेंट में सिर्फ बीवियां ही मरती हैं। उसके एक्सीडेंट में सिर्फ बीवियां ही मरती हैं। सच? अब तक 21 मर चुकी हैं मालिक। तो 22वीं में। वो तेरे को चाइना वाली कहानी नहीं सुनाई थी ना? आज सुनाऊंगा। सुना तो दी थी। अरे नहीं सुनाई थी। मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा। अरे क्या ठीक है आदित्य, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे अब वो बड़ा और समझदार हो गया, कहीं काम से जा रहा होगा। इस तरह से घर से जाते वक्त टोका टाकी ठीक नहीं। देखो तुम तो बीच में टपको ही मत, मैं तो अपने बेटे को डांट रही हूँ ना।
अरे भगवान, इस तरह से जवान बेटे को हर समय डांटना फटकारना अच्छी बात नहीं, तभी तो वो हर समय घर के बाहर रहता है। देखो मैं बता देती हूँ, तुम तो घर के मामले में दखल दो ही मत। अरे भगवान, शादी के दिन से ही मेरी जुबान पर तुमने अलीगढ़िया ताला डाल रखा है, जुबान तो चलती नहीं, दखल अंदाजी क्या हक करूंगा। अरे बंद करो आप अपनी चिक चिक, वरना मैं जा रहा हूँ। माँ मैं अब जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, आज की रात मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ आज मुझे मत रखो, क्योंकि आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। नाना माली, आज अमावस की भयानक काली रात है, आज की रात बाहर नहीं जाते। हाँ आज की रात तो कुछ भी हो सकता है, मुझे तो डर लगता है तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो दोनों बेसहारा हो जाएंगे ना जी। बेटा वैसे ये अमावस की रात और भूत वूत कुछ नहीं होते, पर तेरी माँ कहती है तो रुक जा बेटा। रुक जाओ बेटा। अरे माँ, दुनिया जेट की रफ्तार से आगे भाग रही है और आप लोग अभी भी पूनम और अमावस में उलझे हुए हैं। मैं खेतों की रखवाली के लिए जा रहा हूँ, कोई भूतों के साथ डांस करने नहीं जा रहा हूँ। चलो पापा मैं चलता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे तुम आ गई चंदा। दिल के हाथों मजबूर हूँ बाबूजी। अरे दिल के हाथों तो हम भी मजबूर हैं, तुम्हारे आने से दिल में बहार आ जाती है, ये आत्मा बहकने लगती है, तुम आती हो तो। दो दिलों के मिलन को ही तो बहार कहते हैं ना। शायद तभी तुम्हारे आने से ये पतझड़ बसंत बन जाता है। इस बसंत की रात में चांद निकल आया तो ये चांद की चांदनी में दिल प्यार करने को उमड़ पड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जन्मों से तुम सिर्फ मेरी हो, इस दिल पे सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मैं तो जन्मों जन्मों से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। हेलो वेदांत। हाँ भाई। काफी अरसे बाद याद आई भाई तुझे। हाँ यार 7 साल हो गए अफ्रीका में। अरे वापस आ जा ना, हम भी तुम्हारे हैं, ये घर भी तुम्हारा है। हाँ हाँ लेकिन मैं अकेले नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरी बहन नियति भी आ रही है। हाँ आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर बहुत बड़ा है हमारा। थोड़े दिन तुम्हारे साथ रहेंगे फिर अपना खुद का घर ले लेंगे यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तू आ जा एक बार। ये बता तू आ कब रहा है इस बार? बस नेक्स्ट वीक। अच्छा चल आ जा बैठते हैं, बचपन की यादें फिर से ताज़ा करते हैं भाई। ओके ओके बाय, सी यू। ओ चाचा तनिक यहाँ आओ। अब ही ना आवत है। चाचा आस पास के गांव में बहुत दहशत फैला है, नदी किनारे लाश मिली है लाश। हाँ क्या कहते हैं? भूतनिया नाच रही है चाचा, बहुत रेप हो रहा है। इतना रेप हो रहा है और हम ससुरियाँ खाली बैठे हैं? क्या कह रहे हैं चाचा? मतलब कितने आदमी थे? पूरे 3। बाप रे, और क्या क्या था उनके हाथ में? मत पूछो चाचा, उनके पास बंदूक घोड़ा तमंचा सब रहे, सब साफ कर दिए हैं। बाप रे बाप, का हुई? घोर अन्याय हुई, इस गांव का क्या होगा? ओ चाचा कलयुग आ गया है, अपना ख्याल रखियो। Thank you.
अरे आंखें तो बड़ी ठीक नजर आ रही हैं, फिर भी इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या? आ जाते जनाब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आंख के अंधे, इतनी बड़ी लड़की तुझे दिखाई नहीं देती? अजीब पागल लड़की है यार ये। पागल? तू पागल? तू पागल? तेरा पूरा खानदान पागल? तेरा पागल? अरे चल हट हट हट। ए मैडम, शायद आप मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। अबे ओए, मुझे तुझे जानने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, चल हट यहाँ से। हट चल हट हट हट। ए ऊपर वाले, तू भी कैसे कैसे नमूने बनाकर भेज क्या 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 बोला? फिर से बोल, फिर से बोल। मैडम शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। अच्छा जी। अबे ओ हीरो, अपनी हीरोगिरी ना अपने पास रखियो, वरना यही की ही तेरी नानी याद दिला दूंगी। हाँ चल हट यहाँ से। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अनपढ़ गवार, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बोली थी और खेलने भी नहीं दिया और पूरा पूरा कपड़े खराब कर दिया। अफो, ये भी। अरे अरे, ये क्या हुआ नियति, इतनी परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं मैं, मम्मी जी रास्ते में एक गुंडा मिला मुझे। क्या? बाइक से उसने मुझे टक्कर मारी। क्या कह रही हो? मुझे गिरा दिया और देखो मेरे कपड़े भी खराब कर दिए। अरे लेकिन इसका बदला मैं जरूर लूंगी। हाँ, अब इस घर में जो भी आएगा सबसे पहले कलर मैं ही डालूंगी, देख लेना आप। अरे किसे रंग डालेगी? राम 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 राम। अरे जो भी आएगा वो। अरे अरे, क्या कर रही हो सब? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, बदमाश गुंडे बेशरम, लड़की का इस तरह पीछा करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कर रहा हूँ पीछा, तुम कर रही हो मेरा पीछा। ओह माय गॉड, मैं पीछा कर रही हूँ? मैं यहाँ तुमसे पहले आई हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? रुको, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। मैं मम्मी को बुलाती हूँ। माँ, मैं भी चाहता हूँ। माँ, माँ को बुला ही लो, बुला ही लो। चुप बैठो माँ, चुप। रे 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 रे, क्या क्या हुआ, ये क्या हुआ? माँ, मैंने आपको बोला था ना कि एक गुंडा मिल गया था मुझे रास्ते में, मुझे धक्का मारा, मुझे गिरा दिया, अब आ गया मेरा पीछा करते हुए। मेरी गाड़ी के। चुप रहो, चुप रहो। तू झूठा। ये मेरी गाड़ी के सामने खुद आ गई, मेरी गाड़ी के सामने ये आ रही थी। नहीं, ये झूठ बोल रहा है मम्मी जी। हाँ ये झूठी है। तू झूठ बोल रहा है, तू, तेरा पूरा खानदान झूठा। तू झूठा, तेरा पूरा खानदान झूठा। चल हट, चुप रहो। आदित्य वेदांत की बहन है। यस। और नियति, ये है मेरा बेटा आदित्य। अच्छा। सॉरी नियति जी, वो थोड़ा मैंने क्या क्या बोल दिया उसमें, उस समय आपकी गलती नहीं थी। वो क्या था, मैं जा रही थी एक रास्ते में, वो दूसरा रास्ता जरा बीच में आ गया तो मैं तीसरी जगह जा गिरी। सॉरी, गलती मेरी थी थोड़ी। हाँ, अब भैया आ गए। वेलकम इंडिया भाई। ओ वेलकम ब्रो, कैसा रहा सफर तेरा? बढ़िया। और बताओ कैसा लगा सरप्राइज मेरा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर बता, तू मुझे एयरपोर्ट लेने आता तो ये मजा थोड़ी आता यार। वैसे मेरी बहन नहीं है। हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले मिला हूँ भाई। अभी हम दोनों के बीच झगड़ा। क्या झगड़ा? हाँ। नहीं भैया, झगड़ा और मैं, आप तो मुझे जानते हाँ, ही हो। हाँ, तुझे तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तेरी बहन है, तू जानता है कैसी है। गुड मॉर्निंग माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, मैंने आपको सारा घर ढूंढ मारा। हाँ बेटा, कुछ थकान सी लग रही थी सो यहाँ आके बैठ गई। अरे पहले ये बताओ, इतने सारे फूल तुम लाए कहाँ से? अरे माँ जी, आज मैं गार्डन गया हुआ था। हाँ। वो नियति है ना। हाँ। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है, घंटों पूजा करती है माँ जी, बस उसके लिए लेने चला गया था। मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे और जरूरी बात, कहिए माँ जी। ऐसा है, मैंने आज तक तो पूछा नहीं, पर तेरी बहन नियति करती क्या है? माँ जी, सुपर नेचुरल पावर पे थीसिस लिख रही है मेरी बहना। अच्छा,
कॉस्मिक पावर से पीएचडी कर रही है। अरे क्या बात है, ये तो और भी अच्छी बात है। देखो बेटा, मैं सोचती हूँ कि जल्दी ही आदित्य के सर पे मैं सहरा देखूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। आदित्य हमारा दूल्हा बनेगा और हम और नियति दोनों घोड़ी के आगे नाचेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नियति तो नहीं नाच पाएगी। क्यों माँ जी, नियति क्यों नहीं नाच सकती? अरे बुद्धू, कभी दुल्हन भी नाचती है। दुल्हन और नियति, मैं कुछ समझा नहीं माँ जी। अरे पागल हो तुम, नियति को मैंने अपनी बहू बनाने का फैसला किया है। क्या? मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। जब भी देखूं तुझे जानूं, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो। जब भी देखूं तुझे जानूं, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। अधूरे तुझे पाके हुए वो पूरे, जो अरमा भी थे अधूरे तुझे पाके हुए वो पूरे। बन के तू आ जा दिल के मेहमान, यादों में तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। जब भी देखूं तुझे जानूं, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों तुम ही तुम हो। तेरी भीनी खुशबू दिल को महकाए मेरे हर पल को, तेरी भीनी खुशबू दिल को महकाए मेरे हर पल को। तेरे सिवा कुछ भाए न मुझको, आहो मैं तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। जब भी देखूं तुझे जानूं, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। लो फिर से स्विच ऑफ। पता नहीं ये लड़का रात रात भर कहाँ गायब रहता है। इतनी सुबह हो गई है, ये लौटा नहीं अब तक। माँ,
आओ आओ बरखुरदार, कब से तुम्ही को फोन लगा रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। माँ तुम सोई नहीं अभी तक? जिसका जवान बेटा रात रात भर बाहर भटकता रहे उस माँ को भला कैसे नींद आ सकती है। माँ तुम तो पीछे ही पड़ गई मेरे, मैं बच्चा नहीं हूँ अभी, बड़ा हो गया हूँ मैं। तुम बड़े हो गए हो, फिकर तो इसी बात की है। तुम भी ना यार माँ। सुन, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तेरी बहुत जल्द शादी करूँगी। समझती नहीं हूँ आप भी, तुम्हें पता है ना सब कुछ। क्या सब कुछ पता है तुम्हें? ना शादी करूँगा, आप तो जानती ही। तेरी शादी तू कैसे करेगा, बच्चों की शादी तो माँ बाप कराते हैं। किससे? अरे घर में इतनी गुणवान लड़की है नियति, उसी से। नियति? माँ नियति के बारे में ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं अभी तक। तो आप सोच ना, बच्चों की भलाई तो माँ बाप सोचते हैं। माँ आप भी ना पीछे पड़ गई हो मेरे, फिर जो चाहती हो वो कर लो। अरे ओ सुखी राम। जी मालिक। इधर आ इधर आ। अरे ये न्यूज देख। अरे मेरा दिमाग क्या, बंबई में सभी फ्लैटों के दाम धराशायी, मेरा जो फ्लैट हुआ गगनचुंबी। मालिक न्यूज मैं सुनाता हूँ आपको। अरे तू क्या न्यूज सुनाएगा है? सुना है आदित्य बाबू की शादी की बात चल रही है घर में। अरे ये सब खबर तुझसे सुननी पड़ रही है और मुझे नहीं पता? अरे कभी कभी शक होता है कि घर का मालिक मैं हूं या कोई और। कैसा शक मालिक? अरे कैसा शक क्या, मैं मालिक या कोई और, मेरा इस घर पर कोई कंट्रोल ही नहीं। कंट्रोल? आप तो फौज में मेजर थे ना मालिक। फौज में? वहां सौ सौ सूरमाओं पर मेरे अकेले का कंट्रोल था। सौ सौ सूरमाओं पे? हाँ। जिसका अपने घर में कंट्रोल ना हो सूरमाओं पे क्या कंट्रोल करेगा मालिक। बोलोगे भी या पूरी रात ऐसे ही गुजार दोगे? मैं कुछ उलझन में हूं, मन थोड़ा अशांत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे लो, मन शांत हो जाएगा, पी लो इसे। जरा देखो इतनी रात को कौन हो सकता है? कोई बाहर वाला ही होगा, घर वाला तो कोई डिस्टर्ब करने आज आएगा ही नहीं। रुको मैं देखता हूँ। टेंशन मत। कुछ नहीं था, बस हवा से ऐसे खटक गई। हम
बेवफा, धोखेबाज, तुमने मेरी मोहब्बत को रुस्वा किया, बेवफाई की मेरे साथ। मुझसे नाराज मत हो चंदा, मुझसे नाराज मत हो। मैंने जो कुछ भी किया है बड़ी मजबूरी में किया है चंदा, बड़ी मजबूरी में किया है। अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली आदित्य। तुम्हारी इस झूठी शादी ने तुम्हारे इस झूठे प्यार की पोल खोल कर रख दी है। शादी? कैसी शादी? शादी तो दो आत्माओं का मिलन होता है, मेरा दिल, मेरी आत्मा, सब कुछ तुम ही हो चंदा, सिर्फ तुम ही हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। इस घर में काला साया है। प्रणाम बाबा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जय 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 मां शेरो वाली, तेरा वचन न जाए खाली। है इस घर में काला साया है, भूत प्रेत सब वश में तेरे, भर दे जीवन में खुशहाली। जय 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 माँ शेरो वाली, जय माँ दुर्गे। नमस्ते बाबा। किसकी नजर लग गई हमारे इस हंसते खेलते घर को? चिंता ना करो माई, सब कल्याण होगा, माँ दुर्गे सब पर अपनी कृपा करेगी। अरे इस बहरूपिये को किसने बुलाया? अरे क्या कर रहे हैं? अरे इसका यहाँ क्या काम है? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये बड़े सिद्ध बाबा हैं, हमें संकट से बचाने आए हैं। अरे तुम ऐसे बाबाओं को नहीं जानती, संकट काटने के चक्कर में घर देख लेंगे और रात में आकर उसी घर को लूट लेंगे। ऐसा नहीं कहते। अपमान, घोर अपमान। आप जाइए 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 माई जाइए। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। तुम्हें आना होगा, तुम्हें अब मेरे पास आना होगा। इस घर को मेरे सिवा इस काले साए से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा जाइए जाइए, कोई नहीं। चलिए आप जाइए। जय मां दुर्गे। आप जाइए जाइए, तुम्हें आना होगा। नहीं नहीं, तुम्हें आना होगा। कहाँ जा रही हो? अरे बड़े सिद्ध बाबा है ये, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे सिद्ध बाबाओं को मैंने बहुत देखा है, ये घर लूटने के चक्कर हैं। जाने दो, तुम्हारा भी दिमाग। अरे ओ पेलवा, कहाँ रह गया बे? अबे लड्डू, ये लड्डू खा लड्डू। तेरे जैसा आदमी लड्डू खिला रहा है, क्या बात है? अबे लड़का हुआ है। किसको? हमको। कभी? परसों। कैसे? अबे जैसा होता है वैसा हुआ है। नहीं नहीं, हमको एक बात बता। हाँ? तो हार बीबी कहाँ है? मायके में। कितने दिन से? अबे दिन का तो नहीं पता, लेकिन एक साल हो गए। तू कितने दिन से तेरे ससुराल नहीं गया? अबे ससुराल ससुराल कौन जाता है बे? वहाँ जाओ तो अलग मगज मारी, साला साली सास ससुर। हम नहीं जाते ससुराल। यानी तू साल भर से ससुराल गया ही नहीं है? नहीं गए। बुढ़बक बेसरम गधा, गांव-गांव जाके मिठाई बांट रहा है। तोहरी बीबी एक साल से मायके में बैठी है, तू एक साल से ससुराल गया नहीं है, और बच्चा कहता है दो दिन पहले हुआ है। शरम नहीं आती तुझे? अबे शरम का है को बे, हमार बच्चा है, हम मिठाई बांटेंगे साला। अबे साल भर से तेरा तोहरी बीबी के साथ मिलन नहीं हुआ, तो ये बच्चा किसका हुआ? हमरा हुआ। फोन है? हाँ है। इंटरनेट है? इंटरनेट भी है। तो एक बात बता। हाँ पेलवा, तो बच्चा क्या इंटरनेट से डाउनलोड किया है? भाग साला, बकवास करवा लो इनसे। मिठाई लाए, मिठाई नहीं खाएंगे। अबे सुन, अरे पेलवा, एक साल से दोनों मिले नहीं, तो बच्चा कैसे हुआ? Yeah.
एक सेकंड में आया मैं। की गोली ही मेरा काम करेगी। ये लो दूध पी लो। एक मिनट ना, मैं एक मिनट में आई। हाँ कुछ तो है इस दूध में, बेहतर है इसको फेंक दूं मैं। अरे आ गई तुम। लेकिन बड़ी नींद आ रही है। हाँ, मुझे मुझे भी नींद आ रही है। चलो सो जाते हैं। बाद में बताती हूँ प्लीज। अरे नियति, मचान के चारों तरफ रिंग बनाओ और उसमें सात कीले गाड़ो। ये सब क्या नियति? भैया मैं उससे हार नहीं मानने वाली। जिससे तुम टक्कर लेने की सोच रही हो वो एक प्रेत आत्मा है। तो क्या भैया, अगर वो प्रेत आत्मा है तो मैं भी एक सुहागन हूँ और अपने सुहाग की जिंदगी के साथ उसे मैं खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। तो क्या करोगी? प्लान चैट से उससे बात करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ये सब काम तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम किसी बाबा को, किसी तांत्रिक मांत्रिक को अप्रोच कर लेते हैं। भैया बाबा अपना काम करेगा और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे माँ दुर्गा पर भरोसा है कि वही उस प्रेतात्मा का पूरा काम तमाम करेगी। प्रेतात्मा? हाँ। कौन प्रेतात्मा बहू, तुम किसकी बात कर रही हो? वही जिसने आपके बेटे को अपने वश में कर रखा है। मैं ये सब कुछ नहीं मानता। मुझे पता था पापा आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। आप क्या, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, मगर आज रात को आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, ये मेरा वादा है। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
जल्दी नींबू दो। अब आज मैं उस मचान पे रिंग बना के आई हूँ। आज अगर वो प्रेतात्मा आदित्य को मिलना भी चाहे ना तो मिल नहीं पाएगी। क्या? और अगर उस दुष्ट ने कोशिश भी की तो जलकर खाक हो जाएगी। सच कह रही। अरे यार अरे तुम कहां से आ गई? आवाज तो मुझे यहां से आ रही थी अभी। यही तो बात है, इस दुनिया में हम कहीं से भी आ जा सकते हैं। मतलब? ऊपर चलो, मतलब समझाती हूँ। क्या हुआ? ऊपर चलो ना। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बहुत जलन सी हो रही है, मेरी तबीयत सी खराब हो रही है। कोई तो है जो मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। आज हम मचान नहीं चढ़ेंगे। क्यों बहानेबाजी कर रही हो? देखो, बहानेबाजी छोड़ दो, रोज तो आती हो, फिर आज क्या हो गया मचान पर चलने के लिए? चलो चलते हैं। अब सब ठीक है आदित्य, तुम आ गए, अब सब कुछ ठीक है। आदित्य तुम मेरी जान हो आदित्य, लेकिन कुछ लोग हमें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। भाग चलो आदित्य। हाँ। भाग चलो। चलो 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 चलो। देखो मम्मी जी, देखो सारे रिंग्स काले पड़ गए हैं। उसके पैर ऐसे ही रिंग पे जाकर जल गए होंगे। ओ, देख रही हो ना आप? अब तो यकीन हुआ ना आपको मेरी बात पर? चलिए मुझे मेरी माँ अंबे पर पूरा विश्वास है। मेरा आदित्य जहाँ भी होगा माँ अम्बे उसकी रक्षा करेगी जरूर। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब कहिए, कैसे याद किया? आदित्य बाबू घर पे हैं? नहीं वो तो नहीं है अभी, क्या बात है? नदी किनारे एक लाश मिली है। किसकी लाश? वो तो पता नहीं, पर आप अगर इधर आ जाएं तो देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके ठीक। क्या हुआ? नहीं 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 कुछ नहीं, बस वो इंस्पेक्टर ने याद किया। बहू हाँ, चल तू मेरे साथ चल जाना। अब चलिए पापा। अच्छा हाँ। देखिए हमें एक लावारिस लड़के की लाश मिली है, जिसके यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें बरामद हुई है, तो मैंने सोचा आप लोग को बुला लूं, आप लोग शनाख्त कर दीजिए, कहीं ये चीजें आदित्य बाबू की नहीं। ये हैं वो चीजें। इंस्पेक्टर ये आदित्य की नहीं है। नहीं है?
नहीं नहीं, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू। न जाने वो चुड़ैल उसे कहाँ ले गई। ज्यादा से ज्यादा वो चुड़ैल गांव की सरहद तक ही जा सकती है। उस दिन सफेद रिंग्स में 7 किले गाड़ कर मैंने गांव की सीमाएं बांध दी थी। क्लीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, ओम रेम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, बम बम बोले, ओम रेम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। हमें बेटे की खातिर आपके पास आना पड़ा है, हमें माफ कर दीजिए बाबा। बाबा मेरे बेटे को बचा लो बाबा। मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। घबराओ नहीं माई, माँ दुर्गे सब पर कृपा करती है। मैं तुम्हें माँ दुर्गे की ये चमत्कारी भभूति दे रहा हूँ, इसे रात्रि के पहर में अपने घर के चारों ओर डाल देना। और ध्यान रहे, कल ठीक 10 बजे हम तुम्हारे घर पर माँ दुर्गे का आह्वान करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बम बम भोले, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? इधर कोई तो है, कहाँ से आ रही है? कोई तो है। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ सुखीराम? मालकिन, यहाँ पे कोई आया है, कोई आया है। बम भोले, जय महाकाल, जय महाशक्ति, जय मां चंडालिनी, जय मां दुर्गे। मैया शेरवाली ये, मैया जोतवाली ये, माँ कर दे बेड़ा पार, माँ कर दे बेड़ा तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। ओ माँ, ओ माँ, शेरावाली माँ, मैया तेरी जय जयकार,
तेरी जय जय का, मैया तेरी जय जय का। माँ शेरा वाली, माँ जनता वाली, तेरी आशीर्वादी है तू सबसे निराली। मेरे चरणों में आए, मेरी शरण में आए, तू करती है माँ सबकी रखवाली। बताना ही होगा किसने भेजा है तुझे, क्यों पकड़ रखा है इस बच्चे को। जल्दी बता, जल्दी बता, नहीं तो भस्म कर दूंगा तुझे। नहीं ऐसा मत करो। बता कौन है तू। पहचाना नहीं मुझे, पहचाना नहीं। कौन? मैं कामिनी हूँ, कामिनी। मैं कामिनी। तू पकड़ा है इसे। हम जन्म जन्म के साथी हैं, जन्म जन्म के साथी हैं। ये प्रेत आत्मा का इस संसारिक जीव से कैसा रिश्ता? और प्यार, प्यार, प्यार और अन्याय का, अन्याय का। कैसा अन्याय? किसके साथ हुआ अन्याय? बता। वो होली वाला दिन, वो रात। क्या हुआ उस रात? कितना सुहाना मौसम है। आदित्य। बोलो क्या हुआ? हम ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करते? तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, समझे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। क्या हुआ? आदित्य तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरी निगाहों में बस तुम ही तुम हो। इनमें जन्मों तक तुम्हारा ही प्यार पलता रहेगा।
अच्छा क्या गजब की जवानी है रे। इस अनारकली के लिए तो मैं सीने पे भी गोली खा सकता हूं। हाँ
सही बोलता है भाई, एक नंबर आइटम है, एक नंबर। अरे यो नसीला गदराया बदन, एकदम फूल जैसा नाजुक है रे। अरे जब फूल है गुलाब का, कली किस काम की, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। अरे जब फूल है गुलाब का तो कली किस काम की, यो लड़की अगर मोहब्बत ना करे तो साला जवानी किस काम की रे। अबे आदित्य से पूछा है। अरे जब फूल है गुलाब का तो इन कांटों से डरना क्या, मोहब्बत तो इससे की है, ए या के घर वालों से डरना क्या। भूतनी के स्विमिंग पूल में जागा तू है। अरे जब भाई तैरना ना आए तो साला किनारों में के रखा है, जब तैरना ना आए तो किनारों में के रखा है, और प्यार करना है बाहों में तो साला इशारों में के रखा है। तो नहीं सुधरेगा मेरे भाई, तो नहीं सुधरेगा। इसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं। अरे जो सुधर जाए उसका नाम प्रताप थोड़े ही है। अबे ये क्या कोहराम मचा रखा तूने है, पूरा सत्यम शिवम सुंदरम बना दिया है। अबे सालो तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ पहले मुझे। हाँ कुछ नहीं, बस होली का मजा ले रहे हैं। अबे होली तो कल है, पार्टी आज से ही चालू है। अरे इस बार होली का मजा लेंगे एकदम चकाचक, और रंग में भंग जमा देंगे चकाचक, और फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया में है कि पुनर्जन्म हो जाए। अबे बंद कर साले, कल की पार्टी में तुम तीनों आ रहे हो। अरे एकदम, अरे बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, तू बुलाए और हम ना है। अरे क्यों नहीं बुलाएंगे यार, चलो फिर पार्टी में मिलते हैं कल। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके चल बाय। और भाई लोगों क्या हो रहा है, और भाई क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया, तू सुना। अरे एकदम मस्त भाई, तेरी आवाज तो थकी थकी लग रही है। अरे यार क्या बताएं, बस बता तो सही क्या हो गया। साला रात भर सो नहीं पाया। सो नहीं पाया क्यों? अरे बुलबुल ने बड़ा तंग कर रखा था यार। बुलबुल, ये बुलबुल कौन है? अरे यार वही स्विमिंग पूल वाली। अरे हाँ वही यार। यार क्या बताऊं तुझे, पूरी रात चिपकी रही। ओए पता नहीं हमने सपने में क्या क्या किया, कैसे बताऊं। अच्छा साले तो उस जलपरी की बात कर रहा है क्या? ख्यालों में हंगामा। अच्छा एक बात बताओ, शाम को पार्टी पे तो आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल यार, क्यों नहीं। हाँ, बिल्कुल भाई एकदम। तो फिर एक काम करते हैं, शाम को पार्टी में मिलते हैं और धूम मचाते हैं। अरे बिल्कुल यार एकदम भाई एकदम, मजे करते हैं अपन। ओके सी यू, बाय बाय। साखी तू करम फरमा, हर दौर में पैमाने होंगे। क्या बात, क्या क्या बात है क्या। साखी तू करम फरमा, हर दौर में पैमाने होंगे। आगाज तो ये है, अंजाम खुदा जाने। यहाँ से निकल रहे सारे शेर, यहाँ से निकल। इसी बात पे लड़की ना होना यार, तब तक पार्टी का मजा नहीं है। ये फिर शुरू हो गया यार। मुद्दे की बात है वैसे यार। यार बिना आइटम के कोई पार्टी होती है क्या? सूखा सूखा यार,
सूखा सूखा सा पार्टी होता है, कभी भी शुरू होता है, कभी भी शुरू होता है। क्या यार, ये लीजिए आपके लिए। पार्टी में माल नहीं बुलाया यार। उफ, ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताज महल कहें। ओ भाई, भाई, थोड़ा शांत हो जा भाई, थोड़ा चुप बैठ, ठीक है, पार्टी करो। क्या लिया भाई? अरे क्या हुआ यार? हुआ क्या है? अरे शेर बोल रहा है लौंडा यार, ऐसी के बात हो रही है? आने वाली भाभी है वो, ठीक है, ज्यादा मत बोलो, पियो दारू। अरे कौन भाभी? हाँ, कौन सी भाभी? कौन रामू की लौंडिया, हमारी भाभी कब से होली? ओ भाई, खाओ पियो मेरे ही घर में, मेरे दारू पी के तुम्हारी होने वाली भाभी को छेड़ रहे हो। भाई क्या बात कर रहा है यार तू? ये गलत बात कर रहा है, समझा इसे, मूड मत खराब करो यार। यार मतलब वो चढ़ गई आज, बहुत चढ़ गई है, दारू पिया बहुत ज्यादा हो गया है, पी भी लिया, ऐसे कैसे बोल रहा ज्यादा हो गया, ऐसे कैसे बोल रहा है ना, बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा हो गया, बात मत कर यार, हट तेरी, और रुक जा, हेलो हट, आके हट यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? हेलो, समझा भाई, मार दूंगा मैं साले को, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, ये क्या कर दिया तुमने यार, पागल हो तुम, तू भी यार ज्यादा एडवांस में चौधरी बन रहा। आदित्य, क्या किया तुम लोगों ने? हमने कुछ नहीं किया। आदित्य, क्या किया तुम लोगों ने? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाई भाई वो पोल हटा, पोल भाई वो पोल हटा दे, छोड़ो मुझे। क्यों कर रहे हो ये सब? तैने भगवान के लिए छोड़ दूँ मैं क्या करूँगा? छोड़ दे मुझे, कुत्ते को पी दे, मैं किसी और की अमानत हूँ। मैं क्या करूँ, यो नसीला बदन, यो गदराई जवानी सिर्फ मेरे लिए है। मत करो ये सब। ओह प्लीज, छोड़ दो प्लीज। अब ये मत कहना कि मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, क्योंकि भगवान के लिए तो मैंने बहुत सारी लड़कियां पहले ही छोड़ दी। दया करो प्लीज। क्या हो गया यार? कहीं ये मर तो नहीं गई? नहीं यार, ये तो जिंदा है। लेकिन लेकिन अगर ये बची ना तो हम तीनों मर जाएंगे। खेल खत्म कर जल्दी, मार दे। अरे सोच मत यार, ये मार दे भाई। दारू भी बड़ी बेकार की चीज है, क्या से क्या हो गया?
भाई बेकार की बात छोड़, सबसे पहले इसको ठिकाने लगा लेते हैं, वरना हम तीनों के तीनों फंस जाएंगे यार। बात तो ठीक कह रहा है, चल। हाँ यार, हम तीनों फंस जाएंगे। अरे रे रे रे, अरे सुखीराम, ये क्या हुआ? तेरे होते हुए आदित्य को किसने बांध रखा है? माँ, मेरे कमीने दोस्तों ने, माँ, जो होली खेलने के लिए यहाँ पे आए थे माँ। अरे लेकिन क्यों? वो कामनी की वजह से माँ। बहुत ज्यादा हो गया, बात मत कर यार। हट तेरी, हेलो, हट, हट यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? हट, समझा भाई, मार दूंगा मैं साले को। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? वो तीनों नशे में थे और मैं अकेला, मैं कुछ नहीं कर पाया माँ, कामिनी के लिए कुछ नहीं कर पाया माँ। देख बेटा, डर मत बेटा, देखो अब हम लोग आ गए हैं, माँ दुर्गा उसकी रक्षा करे। पर एक बात अब तुम कान खोल के सुन लेना, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज एक बात का वचन मुझे जरूर देना पड़ेगा, पर इस बात का जिक्र तू किसी से नहीं करेगा। माँ तुम भी। बस मैंने कह दिया ना। सर ये देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट, इसके मुताबिक कातिल तीन लोग थे। कातिल तीन लोग? कौन हो सकते हैं ये लोग? आदित्य बाबू के तीनों दोस्तों ने मुझे बर्बाद किया। उन्होंने तुम्हें बर्बाद किया था ना, आदित्य ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तू इसे क्यों बर्बाद करना चाहती है? मैं इसे क्यों बर्बाद करूंगी? ये मेरा प्यार है। देख, तुम मरकर प्रेत आत्मा बन चुकी है, और प्रेत आत्मा का इंसान से कभी कोई मिलन नहीं हो सकता। भूल जा इसे। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं बाबा इसे? हमने जन्म जन्म साथ रहने की कसमें खाई थी। अच्छा बता, आगे क्या हुआ? आगे अरे हट, हट, अबे हट, आगे से हट। अरे हट। बाबू, दो दिन से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं। तो तने खाना चाहिए, तो कुछ काम करेगी? बाबू कोई काम ही नहीं देता। तो चल मैं देता हूँ काम तुझे, खाना भी मिलेगा तुझे और पैसा भी मिलेगा। के काम कर सके? आप जो बोलेंगे सब करूँगी बाबू। पक्का ना? जी बाबूजी। तो ठीक है, बढ़िया। चल बढ़िया। आबरू बचाने के लिए कभी कभी आंसू भी बेचने पड़ते हैं। क्या बोली तू? कुछ नहीं बाबूजी। बैठ बैठ बैठ।
चल बैठ जा। नाम क्या है तेरा? बाबूजी, हम गरीबन का नाम थोड़े होता है, हमें तो लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद कर निकल जाते हैं। अच्छा, चल चल, ज्यादा बात ना बना अब। आइला, साला बदबू, नहाती नहीं है क्या यार? चले ना, क्या उधर है बाथरूम? चलती है कि 9 से 12, कब आएगी यार? खूबसूरत है रे। हाँ बैठ। बाबूजी, हमें कहाँ काम करना होगा? अरे, काम करने के लिए तो नौकरानी सा है, तू मारा काम कर। नाना बाबूजी, आपका काम तो ठीक से करना होगा ना? तू बड़ी समझदार है रे। क्या हुआ बाबूजी? कुछ ना। तेरी कौन है? कौन मार रहा है बे? तेरी, अरे कौन कौन मार रहा है बे? अरे सामने आ। लात कौन मार रहा? अरे सामने तो कोई नहीं है, कौन हो सकता? अरे साला हाँ, कौन होगा? ये लौंडिया कहाँ गई यार? बाबूजी, मैं तो यहाँ हूँ।
ये कहूँ मैं, पर तू कौन है साली? मैं कामिनी। कौन कौन कामिनी? मैं किसी कामिनी को नहीं जानता। आज रेप नहीं करोगे? कमीने, प्लीज मन्ने छोड़ दे, मन्ने छोड़ दे, मन्ने माफ कर दे, मन्ने छोड़ दे। हराम जादे, तुझे छोड़ दूँ? याद है उस दिन मैं गिड़गिड़ा रही थी, अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, क्या तूने मुझे छोड़ा? नहीं, आज तू गिड़गिड़ाएगा और मैं तुझे माफी नहीं दूंगी। छोड़ दे मन्ने। चल उतार शर्ट। उतार शर्ट। मन्ने माफ कर दे। उतार। पैंट भी उतार। जाने तू। हाँ। जिसने तुमको मुझसे छीना उसको नहीं छोड़ूंगी, हम तुमने जो वादे किए थे उनको नहीं तोड़ूंगी, क्यों बेचैन सी हर पल रहती कुछ भी समझ भी समझ ना आए। हेलो पुलिस स्टेशन। ओहो, फोन किसने किया था? जी सर मैंने किया था, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। लाश को सबसे पहले किसने सर, देखा? सबसे पहले मैंने देखा था। जब तुमने लाश को देखा तो और कौन कौन था यहाँ पर? और कोई नहीं था, सिर्फ हमारे साहब की लाश थी। लड्डू पेलू? यस सर। अरे तुम दोनों पहले अपना नाम तो बदलो यार। नहीं बदल सकते सर, मेरी दादी ने रखा है। हमारी नानी रखी है सर। शट अप। चलो लाश का पंचनामा करो और सारे एविडेंस इकट्ठा करो। यस सर। पेलुआ लड्डुआ चलो चलो। अबे लड्डू वो देख घड़ी साला, सवेरे 3 बजे से बंद पड़ी है। घड़ी 3 बजे से बंद पड़ी है? अबे लड्डू वो देख साला लाल रिबन भी है। लाल रिबन भी है? लड्डू हमको तो लगता है साले को पानी में डुबो के मारा है। अबे एक बात बोल, कभी रिबन कभी घड़ी कभी पानी, क्या है ये? अभी देख ना स्विमिंग पूल है, डुबा के मारा होगा। हाँ शक्ति बोल। विक्रम कहाँ है तू? मैं तो क्लब हाउस में हूँ यार। यार तू हमेशा पार्टी करता रहेगा, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? अबे साले कभी अच्छी खबर भी सुना दिया कर, हमेशा बुरी खबर सुनाता है। अरे यार प्रताप की लाश मिली है। क्या प्रताप की लाश मिली? ये तो क्या बोल रहा है? हाँ यार मुझे लगता है किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। यार किसी को जो है ना हमारे कारनामों के बारे में भनक लग गई है यार। अबे तू डर मत, मैं आता हूँ। भाई तू जल्दी आ जा यार, मैं इस जवानी में मरना नहीं चाहता। हाँ हाँ जल्दी आ रहा हूँ, फोन तो रख। आ रहा हूँ। प्लीज तू जल्दी आ जा।
मुझे तो आदित्य को पाना था। मैं उससे रोज रोज मिलने लगी, उसके उसके आसपास रहने लगी। मैं मुझे तो सिर्फ उसकी तलाश थी जिसने जिसने मेरा खून करने के लिए उनको उकसाया था। प्यार हमें है कितना जाने जाना, अपना चेहरा तो हसीना दिखाना।
तुम जिंदा हो? तुझे मारने के लिए जिंदा हूँ। तुम सेव करेगा? तूने छोड़ा था मुझे। मस्ती चढ़ी थी ना तुझे, मस्ती। अभी देख, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आज आज मेरा दिन है, तू मरेगा, तू मरेगा। कुत्ते, तूने मुझे मारा था, देख। दो पैरों के निशान हैं, एक छोटा एक बड़ा। इससे साबित होता है कि कातिल दो हैं, एक औरत और एक मर्द। बिल्कुल ठीक कहा सर, बड़े पैरों का निशान किसी मर्द का और छोटे पैरों का किसी औरत का। क्या बोलते हैं रडूराम जी, औरत कभी किसी को मार सकती है क्या? पेल हुआ, ये तुम कह रहे हो। लाल रिबन और वो घड़ी, वो भी रात के 3 बजे आ रही है। और कोई सबूत मिला तुम्हें? सबूत तो और कोई नहीं मिला साहब, लेकिन ये लाल रिबन और बंद घड़ी का कनेक्शन हमको कोनो समझ में नहीं आया साहब। सब समझ में आ जाएगा पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद। यस सर। अबे खड़ा हो। हाँ सर। सर कोशिश कर रहा हूँ सर, कुछ दिनों की और मोहलत दीजिए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं माउंट व्यू क्लब से सोनिया बोल रही हूँ। हाय सोनिया, वैसे आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू। मुझे अपने क्लब मेंबरशिप के बारे में कुछ बताना था, तो मैं आपके क्या 2 मिनट ले सकती हूँ? अरे आपके लिए तो हम हमेशा फ्री ही फ्री हैं। मजाक आप काफी अच्छा कर लेते हैं सर। आपके कीमती शेड्यूल में से मुझे थोड़ा वक्त दे तो मैं पर्सनली आकर और आपको डिटेल में बता सकती हूँ। श्योर श्योर श्योर, क्यों नहीं। एक काम कीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, मैं अपना एड्रेस एसएमएस करता हूँ, कल आप आ जाइए। यस व्हाई नॉट। मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 9999808099। सी यू टुमारो, बाय बाय। ओके बाय। आइए प्लीज प्लीज बी सीटेड, आइए। थैंक यू। खोलो। एक्सक्यूज मी, आई मीन लैपटॉप खोलो। ओ शुरू करें।
प्रोजेक्ट तो देख लीजिए। ठीक है सर। प्रोजेक्ट व्हाट द हेल? क्यों सर, प्रोजेक्ट देख के मजा नहीं आया? पूरा प्रोजेक्ट तो देख लीजिए। क्या बकवास है ये? क्या है, क्या है ये, क्या है? तू है कौन? कामिनी। तू तो मर गई थी ना? मर नहीं गई थी, मार डाला था तूने मुझे। आज मैं तुझे मारूंगी, मैं तुझे आजादी दूंगी और तुझे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब तू मरेगा कमीना। जब से गए तुम मैं न सोई इन लंबी रातों में, दर्द अनोखा दे गए मुझको चारों लगातों में। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो प्लीज। आज तो मैं तुझे डरा डरा के मारूंगी। देखो देखो, जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे करंट से मत मारो प्लीज। उस दिन मैं तेरे पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाई थी, तूने मुझे छोड़ा था। बलात्कार कमीने कमीने, अब आया मजा? दास्ता है तुम्हारे, बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, पर अब तो तुम्हारा इंतकाम पूरा हुआ ना? अब तो इस बच्चे को छोड़ दे। ऐसा मत कहो बाबा, रहम करो मुझ पर। इतने लंबे इंतजार के बाद हम एक हुए हैं, हमें जुदा मत करो बाबा। तुम्हें अब जाना होगा, हर शुरुआत का एक अंत होता है। देख, प्रेत आत्मा और इंसान साथ नहीं रह सकते। देखो अपने प्यार को, क्या हालत हो गई है इसकी, ये मर जाएगा। फिर तो हम एक हो जाएंगे ना बाबा। देख इसके घर वालों को देख, क्या हालत हो गई है इनकी। ये ना खाते हैं ना पीते हैं, बस एक खौफ के साए में जीते हैं। इस बहुरानी को देख, शादी करके भी ये अपने पति को ना पा सकी, फिर भी तेरे लिए इसकी आंख में आंसू है। अगर ये चाहती तो तुम्हें तहस नहस कर सकती थी, परंतु ये देवी माँ की भक्त है, मन की सच्ची है, ये जानती है कि प्यार क्या है। प्यार तो एक बलिदान है, एक त्याग है। तेरे लिए इसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। तुझे जो चाहिए था वो मिला, तुम्हारा इंतकाम पूरा हुआ, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष? मोक्ष नहीं बाबा, मुझे मुझे जिंदगी चाहिए बाबा। दोबारा जिंदगी तुम्हें तभी मिलेगी जब तू तेरा ये रूप जला देगी। तेरी वो चीजें, वो बंद घड़ी, वो लाल रिबन, सब कुछ जलाना होगा, तभी कहीं जाकर तुम्हें दोबारा जिंदगी मिलेगी। आदित्य का प्यार ही था बाबा,
जो मुझे उस दुनिया से इस दुनिया में खींच लाए बाबा। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि इस घर के आंगन में मुझे मोक्ष मिले बाबा। इस घर के आंगन में मेरे आदित्य की खुशबू है बाबा। इस मिट्टी को अपने सीने से लगाकर ही उस दुनिया में वापस जाऊंगी बाबा। अपने आदित्य की यादों के साथ। अब तुम्हें जाना होगा, अब तुम्हें जाना होगा। जय मां दुर्गे, जय मां भवानी। हम तो इस सोच में थे कि इस जहां से गया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता, मगर प्यार एक ऐसी अनमोल चीज है जो इंसान को उस जहां से इस जहां में आने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों, आज नियति जिस इरादे से यहां पे आई थी, आज उसकी थीसिस पूरी हुई और इस घड़ी में मौजूद हैं हमारे जाने माने गीतकार श्री सैयद तफसीर अली साहब और मशहूर पार्श्व गायक श्री सतीश जी देहरा और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, खास मेहमान हैं आज के हमारे निर्माता निर्देशक संगीतकार श्री कुमार सक्सेना जी से मैं विनती करता हूं कि वो दो शब्द कहें और इस किताब का विमोचन करें। मेरे अजीज दोस्तों, ये एक महज किताब नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई और हकीकत है। कभी न टूटने वाला बंधन, बेइंतहा प्यार, त्याग और बलिदान की कहानी है। वो फिर आएगी। रोज आते हो ख्यालों में, देखो छू कर भी कभी, जान बन कर के तुम आना इन लकीरों में कभी। हर एक जन्म तुम्हें पाने को हम तरसते हैं, तुम्हारे प्यार में अरमा मेरे मचलते चले बिया के रमासनों में ढलते हैं। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो।
मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। जब भी देखूं तुझे जानूं, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो। जब भी देखूं तुझे जानूं, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। अधूरे तुझे पाके हुए वो पूरे, जो अरमा भी थे अधूरे तुझे पाके हुए वो पूरे। बन के तू आ जा दिल के मेहमान, यादों में तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। जब भी देखूं तुझे जानूं, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों तुम ही तुम हो। तेरी भीनी खुशबू दिल को महकाए मेरे हर पल को, तेरी भीनी खुशबू दिल को महकाए मेरे हर पल को। तेरे सिवा कुछ भाए न मुझको, आहो मैं तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। जब भी देखूं तुझे जानूं, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। मैया शेरा वाली ये मैया जोता वाली ये, माँ कर दे बेड़ा पार, माँ कर दे बेड़ा पार। तेरी जय जयकार मैया, तेरी जय जयकार मैया, तेरी जय जयकार मैया, तेरी जय जयकार। ओ माँ, ओ माँ शेरा वाली माँ, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय
जाने मेरी मैया तुझको क्या मैं बताऊं। एक तो ही है मेरी दाता दुखड़े किसे सुनाऊं। फत फते जब भी संकट में फत फते जब भी संकट में तूने किया Good.
दूर